आप अभी देख रहे हैं, ये झाड़ मैंने बरगम का, मतलब इसको गुजराती में वर्ड बोलते हैं, ये झाड़ मैंने 3 साल पहले लगाया था। आज इतना बड़ा हो गया और मैंने 3 साल बाद देखा है। और हमारी बड़ी बहन यहाँ पे रहती है, उसको उसकी रक्षा करने के लिए बोला था तो पानी भी नहीं सब पिलाती है, और इतना बड़ा झाड़ हो गया, हमें बहुत खुशी हुई है। हमारी लाइफ में एक झाड़ जो ये आया है तो हमें बहुत सारी खुशी है। और इस साल भी मैं यहाँ पे 3 से 4 झाड़ और लगाने वाला हूँ। तो ये ग्लोबल वायरस को जो है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी को एक पेड़ लगाना ज़रूरी है। यदि नहीं लगाया तो इसका रिजल्ट अपने को आज से कुछ 30 साल बाद अपने को बहुत सारा प्रॉब्लम होएगा। इसके लिए हर एक इंसान की फ़र्ज है कि हर एक आदमी एक पेड़ लगाए और प्रकृति को बचा के रखे। अपन सब ठीक है कि अपने अपने काम में लगे हैं, अपन आजकल जो है मतलब पैसा चाहिए सबको, ये सब चाहिए, लेकिन इसको नहीं बचाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होएगी और बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। और जैसे कि पानी का, आज जैसे मतलब आप देख रहे हैं टेम्परेचर हर साल बढ़ते जा रहा है, जैसे कि आज 30-40 डिग्री पे चल रहा है और आगे आने वाले सालों में बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ेगा। और समझ लेना, याद रख लेना, वार्निंग देता हूँ मैं कि तुम्हें एक पानी की बोतल का तुम्हें 500 रुपया देते हुए भी नहीं मिलने वाला है। यदि इसी प्रकार जैसे आप रहते हो उसी प्रकार से आप रहोगे तो ये मेरी वार्निंग और धमकी समझो तो भी चलेगा। ये प्रकृति के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी को मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको धमकी समझेगा और अपने दिल पे लेगा तो बहुत अच्छी बात है। हर एक इंसान का फर्ज है कि आपको एक पेड़ लगाना ज़रूरी है। जैसे आप अपने बच्चे के लिए अपन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं तो उसको मतलब कुछ डिग्रियां प्राप्त होती है, कुछ हासिल होता है। इसी तरह इस प्रकृति को नहीं बचाया तो आपकी नहीं तो धन दौलत प्रॉपर्टी कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। 500 रुपये की एक बोतल, 500 रुपये देते हुए भी पानी नहीं मिलेगा। जिस तरह पेट्रोल की, जैसे पेट्रोल पंप लगे हुए है, उसी तरह पानी का टैंक लगेगा और आपको इतना पैसा चुकाना पड़ेगा और बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इसके अंदर मुझे ये लिख के बताएंगे कि ये मैंने सही बोला है क्या गलत बोला है। क्योंकि आप अपने अपने कामों में, अपने सब सुविधा में इतने व्यस्त हो कि आपको इन चीज़ का पता ही नहीं है। ये मैंने 3 साल से लगाया था, आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे देखने को मिला है। मैं मुंबई से और अलग अलग प्रकार के झाड़ पेड़ लाया हूँ, उसको और मैं लगाने वाला हूँ और हमें ये लगा के बहुत शांति हुआ है। तो हर एक इंसान का ये फर्ज है कि आपको ये काम करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और उस टाइम में आपका समय निकल गया रहेगा। क्योंकि लोग आजकल पेड़ों को काट के कुछ भी अपनी सुविधा बना रहे हैं। आप सोचते हो कि हमने कुछ अच्छा किया और हमारी सब सुविधाएं बना ली, लेकिन इसको नहीं, प्रकृति को नहीं संभाला तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रख के आप अवश्य एक झाड़ का उच्छेद अवश्य करेगा। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, ये जगह मेरी नहीं है, ये केवल मेरा जैसे जन्मस्थल, मतलब जैसे मेरा गांव है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं तो बाहर रहता हूँ तो भी मुझे कोई भी जगह पे, जो जगह पे मुझे मौका मिलेगा वो जगह पे मैं हर टाइम एक पेड़ लगाने का कोशिश करूँगा। और आज हमें बहुत खुशी हुई है कि 3 साल पहला लगाया था झाड़, मैंने लगा के गया था, उसकी पूजा करके मैंने लगाया था और आज ये झाड़ देखो कितना बड़ा हो गया है और कुछ साल बाद कितना, मतलब ये तो बहुत बड़ा होता है। तो मेहरबानी करके कोई भी झाड़ कोई भी जगह पे आप लगाओ, अच्छे स्थान पे लगाओ और प्रकृति का ख्याल कीजिएगा।
तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट प्रकृति का मिलेगा, नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आपकी धन दौलत प्रॉपर्टी कुछ भी काम में नहीं आएगी, मरने के सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे रहा नहीं जाता तो बोलना पड़ता है कि प्रकृति को जरूर बचाइए और एक पेड़ एक आदमी अवश्य लगाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबको प्रेरणा मिले कि आप सब लोग ये काम जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।